मॉर्निंग स्टूडेंट्स बेटे दैट डे वी हैड रिवाइज्ड अर्थमेटिक मीन एंड मीडियन एंड नाउ वी आर गोइंग टू रिवाइज विद मोड ठीक है बिफोर दैट आई हैव गॉट वन रिक्वेस्ट टू एक्सप्लेन अबाउट द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन पेपर दो आई हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड दैट डे स्टिल आई एम एक्सप्लेनिंग बेटे देयर विल बी थ्री सेक्शंस सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन सी इट इज नॉट दैट के सेक्शन ए में माइक्रो होगी और बी में स्टैटिस्टिक्स होगी मिक्स्ड क्वेश्चंस होंगे ठीक है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे मेनली नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस होंगे बी सेक्शन में भी एमसीक्यूज मिक्स्ड होंगे असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस इसमें आएंगे इसमें कुछ नए तरह के क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस किए हैं दो इट इज वेरी सिंपल यू विल बी गिवन टू स्टेटमेंट्स स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू ठीक है जिसके नीचे चार ऑप्शंस होंगे ए इज करेक्ट बी इज ऑल्सो करेक्ट ए इज इनकरेक्ट बी इज करेक्ट सी इज करेक्ट इस तरह के चार ऑप्शंस बोथ आर फॉल्स बोथ आर ट्रू सिंपली ट्रू एंड फॉल्स टाइप क्वेश्चंस है वो ठीक है तो दे आर इजियर देन असर्शन रीजनिंग क्योंकि असर्शन रीजनिंग में आपको देखना पड़ता है क्या आर ये तो देखना ही पड़ता है आर करेक्ट है कि नहीं फिर आर करेक्ट है तो क्या वो ए को एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं ये देखना पड़ता है ना इसमें ऐसा कुछ नहीं है ठीक है सो ये टाइप क्वेश्चन सेक्शन ए में होंगे सेक्शन बी में एमसीक्यूज प्लस यू नो असर्शन रीजनिंग मतलब हॉट्स बेस्ड क्वेश्चन एप्लीकेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन केस स्टडी वाले नहीं होंगे बी में केस स्टडी वाले बिजनेस स्टडीज में हो सकते हैं क्योंकि उसको हम केस स्टडी नहीं कहते जब हम एक क्वेश्चन स्टेटमेंट फॉर्म में डालते हैं और उसके बेसिस पर कोई क्वेश्चन जैसे अभी हमने डिस्कस कुछ किए थे कि भी उसने कार की इंश्योरेंस करवाई 3 लाख की और 2 लाख की उसकी वैल्यू थी कार डैमेज होगी तो कितने की मिली और क्यों मिली ठीक है ये क्वेश्चन ये इसको आप केस स्टडी नहीं कहेंगे चाहे वो स्टेटमेंट टाइप में गिवन है तो वो बिजनेस स्टडीज में होंगे इस तरह के इसमें कमी चांसेस हो भी सकते हैं Assertion reasoning और MCQs, applicability based. C section में case study based questions होंगे. Economics में तो there will be only 2 case studies, one based on statistics, another based on micro, and 5 questions each. So 20-20-10 is the pattern of your paper. 50 marks, but maximum marks 40. 0.8 का एक एमसीक्यू ठीक है यानी जितने आपके करेक्ट है हमने उनको 0.8 से मल्टीप्लाई कर देना ठीक है सो बाकी जी एक मैंने बेटे न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं होती है केस स्टडी थ्योरेटिकली होती है कुछ भी आपको स्टैटिस्टिक्स में से कोई भी टॉपिक में से हो सकती है ऐसे मैं नहीं बता सकती किसी भी टॉपिक में से हो सकती है ठीक है और जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन उसी में से अब केस स्टडी डज नॉट मीन कॉम्प्रिहेंशन कि आप उसमें से ही आंसर ढूंढो और नहीं मिला तो बोलो मैम ने तो आउट ऑफ सिलेबस डाल दिए उससे उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते अगर मैंने डिमांड से रिलेटेड कोई केस स्टडी ले ली ना तो 2-3 क्वेश्चंस होंगे जो आपको केस स्टडी में से मिल जाएंगे 2-3 क्वेश्चंस जनरल डिमांड के ऊपर बेस्ड हो सकते हैं व्हाट इट तो माइक्रो में बेटे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं आपको कोई डायग्राम बताया बना के दिया होगा उसमें से पूछ लिया होगा ये कौन सा क्या शो करता है कुछ भी हो सकता है ठीक है इज इट क्लियर नाउ शैल वी स्टार्ट विद द रिवीजन पार्ट सो मोड थर्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मोड इट इज अ पोजिशनल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अब बेटे आपको ये छोटी छोटी बातें बहुत ध्यान में रखनी है ठीक है पोजिशनल मेजर है आपको ये पता होना चाहिए मीन क्या है अर्थमेटिक मेजर है सेंट्रल टेंडेंसी का मीडियन और मोड क्या है पोजिशनल मेजर्स है सेंट्रल टेंडेंसी के ठीक है तो मोड क्या होता है मोड रेफर्स टू दैट वैल्यू ऑफ द सीरीज विच अकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन द सीरीज ठीक है कोई एक सीरीज हमने ली हमने उसको एक वैल्यू से रिप्रेजेंट करना है ठीक है मैंने आपका मार्क्स टेस्ट लिया 20 मार्क्स का मुझे आपकी एवरेज फाइंड आउट करनी है आई कैन फाइंड आउट एवरेज मेकिंग यूज ऑफ
arithmetic mean, making use of median, ठीक है, making use of mode. What is mode? It is that value of the series which occurs most number of times, most repeatedly. ठीक है, जो सबसे ज्यादा बारी अक्कर कर रही है. So out of test of 20 marks, out of 20, if maximum students have got 13 marks, so in that case mode will be equal to 13. ठीक है, make sense? No, मुझे आपकी पूरी क्लास के मार्क्स को एक सिंगल वैल्यू से रिप्रेजेंट करना है, तो मैंने देख लिया जो मार्क्स सारे ज्यादा से ज्यादा बच्चों के आए हैं उससे रिप्रेजेंट कर देती हूँ, isn't it? So mode is that value which occurs most frequently or corresponding to which frequency is maximum. तो अगर बेटे आपकी इंडिविजुअल सीरीज है तो उस केस में मोड कैसे फाइंड आउट करते हैं? एक होता है इंस्पेक्शन मेथड, आप देख लो कौन सी वैल्यू ज्यादा रिपीट हो रही है, उसको मोड का नाम दे दिया. अगर इंडिविजुअल सीरीज लॉन्ग होती है तो गलती के चांसेस हो जाएंगे, तो आप क्या करो, आप उसको डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर दो. आता है हमें करना टेलीबार्स लगा के, ये आपको वैल्यूज गिवन है 1 2 3 4 8 7 6 5 7 8 9 10 1 2 3 4 8 6 7 9 10. ठीक है, ये वैल्यूज हैं. तो मैंने इसको क्या करा, इसको डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर दिया. कैसे कन्वर्ट किया, सबसे पहले x की वैल्यूज देखी, तो 1 to 10 रेंज कर रही है, तो जितनी वैल्यूज रिपीट हो रही हैं सारी की सारी मैंने लिख ली. उसके बाद मैंने क्या करना है, टैली बार लगाने हैं. मैंने तब भी बताया था, मैं अभी भी बता रही हूं, बच्चे क्या करते हैं टैली बार लगाने के लिए, क्या करते हैं, पहली वैल्यू 1 है तो यहां ढूंढते 1 1 2 1 3 1 4 1, ऐसे नहीं करना. टैली बार का पर्पस ये नहीं है. टैली बार्स वो हैं जो कि टैली कर रहे हैं, टैली समझते हो ना, मिला रहे हैं आपकी सीरीज को, मैच कर रहे हैं. सो फर्स्ट वैल्यू इज पुट 1 टैली बार बिफोर और इन फ्रंट ऑफ 1. सेकेंड इज सो पुट 1 टैली बार बिफोर 2 और यहां से चलो, यहां से देखो, ऐसे नहीं ढूंढो रैंडमली, ऑर्डर में चलो. फिर 3 के आगे, 4 के आगे, 8 के आगे, 7 के आगे, 6 के आगे, 5 के आगे, फिर 7 के आगे, 8 के आगे, 9 10 1 2 3 4 5 8 6 7 1 and 10. अब इसका टोटल ले लो, दिस गिव्स यू व्हाट, इट गिव्स यू फ्रीक्वेंसी. ठीक है, सो मैं एक और वैल्यू लिख देती हूँ, 1 एक और बारी लिख देती हूँ, तो ये हो जाएगा 4. तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, कॉरेस्पॉन्डिंग टू, सो योर मॉडल मार्क्स आर 1. मैक्सिमम बच्चों के मार्क्स कितने आए हैं, 1. तो पूरी सीरीज को किससे आप रिप्रेजेंट करोगे, 1 से. ठीक है, ये हो गया. डिस्क्रीट सीरीज में भी ऐसे ही करते हैं, आपको सीरीज गिवन है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखो, कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट एक्स की वैल्यू देखो, मोड आ गया. लेकिन समटाइम्स व्हाट हैपेंस, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, हाँ, तो उसको हम बाय मोडल सीरीज कह देते हैं. द सीरीज विच इज हैविंग टू मोड्स, इट इज कॉल्ड एज बाय मोडल सीरीज. ठीक है, और व्हाट वी कैन डू इज वी कैन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ मोड यूजिंग फॉर्मूला, एम्पेरिकल रिलेशनशिप, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन. ठीक है, ओके. सो डिस्क्रीट सीरीज में कई बार प्रॉब्लम होती है, जैसे कि अभी नलिन ने बोला कि 2 और वैल्यूज में है सेम फ्रीक्वेंसी और 1 वैल्यू में है फ्रीक्वेंसी इस तरह से, या जो हायर फ्रीक्वेंसी है और उससे नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी है उसमें डिफरेंस बहुत कम है. ठीक है, जैसे ये मैं यहाँ पे नोट डाउन कर रही हूँ, एक्स की वैल्यूज हैं 4 6
8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 4, 6, 10, 8, 3, 5, 11, 4, 6. अब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, विच मीन्स मोड इज, लेकिन ध्यान से देखो, अगर 11 बच्चों के मार्क्स 16 आए हैं तो 10 बच्चों के मार्क्स 8 आए हैं। 11 और 10 में कोई खास फर्क है तो आपके मन में आएगा नहीं, कौन सी वैल्यू से रिप्रेजेंट करें, 16 से या 8 से, आएगा मन में या नहीं? क्योंकि अगर 11 बच्चों के 16 नंबर आए हैं तो 10 बच्चों के 8 नंबर आए हैं बेटे, विच मीन्स द डिफरेंस बिटवीन हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड नेक्स्ट हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी इज वेरी लेस। सो देयर इज अ कंफ्यूजन, शुड वी कंसिडर दिस एज द मॉडल वैल्यू और दिस एज द मॉडल वैल्यू? इन दिस केस वी डू नॉट मेक यूज ऑफ इंस्पेक्शन मेथड, वी मेक यूज ऑफ ग्रुपिंग एंड एनालिसिस मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड? उसमें हम ग्रुपिंग करते हैं, आप नोट डाउन करेंगे क्वेश्चन मेरे साथ साथ, टेबल बनाएंगे, इसी को मैं ग्रुपिंग टेबल में कन्वर्ट कर रही हूं। ठीक है, ये हमारा ग्रुपिंग टेबल आ जाएगा, इसको मैं कॉलम नंबर 1, इसको कॉलम नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 6 कॉलम्स हम बनाएंगे, हेडिंग दे देंगे ग्रुपिंग टेबल। बेटे आप साथ साथ बनाएंगे सब बच्चे, ग्रुपिंग टेबल क्या हो गया नलिन? क्या हो गया, कितना टाइम है आपके पास बेटे? जो नॉलेज बेस एमसीक्यू से टाइम बचेगा, ठीक है, मीडियन कैन बी यूज्ड ग्राफ कैलकुलेटेड ग्राफिकली बाय मेकिंग यूज ऑफ ए बी सी डी, टिक कर दिया, कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा नॉलेज बेस्ड को? ठीक है, सो उसमें से टाइम सेव करना है, इसमें लगाना है। आप अपना टाइम मैनेज करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, आप चाहो तो ये वाले क्वेश्चंस एंड में कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यू विल बी लूजिंग 1 मार्क। लेकिन ये हो गया, ये करते रहे, 4-5 क्वेश्चंस छूट गए, फिर क्या करोगे? ठीक है, तो इससे, क्योंकि एमसीक्यूज हैं, आपको अपनी स्ट्रेटजी अलग तरह से प्लान करनी पड़ेगी। ओके बेटे, सबसे पहले ग्रुपिंग करनी हमने, नाम ही क्या है ग्रुपिंग, किसको ग्रुप करना है, फ्रीक्वेंसी को। पहले दो दो के ग्रुप बना देंगे, ठीक है, आप एक बेंच पे दो बच्चे बैठते हैं ना, तो मैंने दो दो के ग्रुप्स बना दिए, मैंने कहा एक बेंच पे दो बच्चे बैठे, इन दोनों का एक ग्रुप हो गया स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट, तो ये हो गए ग्रुप, दोनों को ऐड कर दिया, ग्रुप्स बना दो, ऐड कर दो, लास्ट में एक ही बच्चा रह गया, ग्रुप नहीं बन रहा, छोड़ दो। हो गया, फिर हमने फिर दो दो का ग्रुप बनाना है, लेकिन सेकंड स्टूडेंट से स्टार्ट करना है। तो मैंने यहां पे आपकी कन्वीनियंस के लिए, आप भी इसको ऐसे याद कर सकते हो, 2+3, यानी पहला ग्रुप आपने लिख दिया, बाकी तो ऑटोमेटिकली बन जाने, कॉमन सेंस है। सेकंड आइटम, थर्ड आइटम, 6+10, फिर बाकी के ग्रुप्स, डन। अब क्या करें, 3 का ग्रुप बनाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट, 1+2+3। ओके, ब्रैकेट बेटे
कॉलम के बीच में डालनी है, 20, 16, 21। अगर बेटे आप ब्रैकेट नहीं डालोगे ना तो सम सॉल्व ही नहीं होना आपका, आपको पता ही नहीं चल रहा ये 16 किसका टोटल है। तो इसीलिए इसमें ये कॉलम्स बनाने बहुत जरूरी हैं, बिना कॉलम के सम सॉल्व करने की कोशिश करोगे रफ में भी नहीं हो पाएगा। सो जल्दी जल्दी में नहीं करना, आराम से करना है, हर काम आराम से करना। फिर तीन के ग्रुप्स स्टार्टिंग फ्रॉम सेकंड, 2+3+4। ओके, सो सेकंड से स्टार्ट किया, ब्रैकेट यहां से स्टार्ट करेंगे, 3 तक आ जाएगी, 18, 19। दो रह गए बच्चे, ग्रुप बन सकता है तीन वाला, छोड़ दो, लीव इट, क्योंकि मेहनत तो हमने करनी ही नहीं, हम क्यों सोचें, जाने दो इनको, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या होगा, 3+4+5, थर्ड वैल्यू 10, 8, 3, 5, 11, 4। जी कहां पर, यहां पर 2+3+4, 18 and 6, 24। अगला ठीक है, ठीक, चलो अब क्या करना है, हमने हमने हाईएस्ट वैल्यू को एनसर्कल कर लेना है। अगर यहाँ पे दो हाईएस्ट होंगी तो दोनों को एनसर्कल कर लेना, 18 दो बार ही है, 16 एनसर्कल कर लो, 21, 24, 21। आफ्टर दैट वी विल बी मेकिंग एनालिसिस टेबल। एनालिसिस टेबल में जितने ये कॉलम्स हैं वो सारे बनेंगे। पहला कॉलम x का, दैट इज 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ठीक। उसके बाद ये 6 कॉलम्स एम्प्टी कॉलम्स बना लेंगे, अभी कुछ नहीं करना, सिर्फ कॉलम्स बनाएंगे, 4, 5, 6, लास्ट कॉलम विल बी ऑफ टोटल, ठीक है। अब क्या करना है, ये एनालिसिस टेबल है, इसमें हमने ग्रुपिंग टेबल का एनालिसिस करना है। क्या एनालिसिस करना है, एनसर्कल्ड वैल्यू कौन सी एक्स की वैल्यू के आगे आती है उसको हमने टिक कर देना। फर्स्ट कॉलम में एनसर्कल्ड वैल्यू क्या है, फर्स्ट कॉलम, वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट कॉलम, 11 कॉरेस्पॉन्डिंग टू 16। फर्स्ट कॉलम 11 थी कॉरेस्पॉन्डिंग टू 16 कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस, पुट वन टिक, वन डाल दो, टिक डाल दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कमिंग टू द सेकेंड कॉलम, इन सर्कल्ड वैल्यू इज 18 इज अ सम टोटल ऑफ 10 and 8 कॉरेस्पॉन्ड्स टू 8 and 10। क्या याद रखना है, 8 and 10। सेकेंड कॉलम 8 10, ठीक है। थर्ड कॉलम एन सर्कल्ड वैल्यू 16, सम टोटल ऑफ 6 and 10 कॉरेस्पॉन्डिंग टू 6 and 8। थर्ड पे आओ, 6 8। थर्ड कॉलम में एक और एनसर्कल्ड वैल्यू है, विच इज सम टोटल ऑफ 5 and corresponds to 14 and 16। सो थर्ड कॉलम 14 16, ठीक है। फोर्थ कॉलम इन सर्कल्ड वैल्यू
सम टोटल ऑफ, अब पता चल रहा है ना, अगर ब्रैकेट डाली ना होती हिमांशु कर सकते थे नहीं, ठीक है, तो ब्रैकेट डालना जरूरी है. 11 4 एंड 6 कॉरेस्पॉन्ड्स टू 16 18 20. फोर्थ कॉलम वी आर टॉकिंग ऑफ 16 18 20, ठीक है. ये प्राइज विनर्स एंड सर्कल्ड वैल्यू, ये इनके सीट नंबर्स हैं, तो टिक लगाने हैं हमने. फिफ्थ कॉलम 24, सम टोटल ऑफ 16 18 कॉरेस्पॉन्ड्स टू, फोर्थ रो है सीट नंबर 6 8 और 10 रिजर्व, हाँ सॉरी ओके 6 8 10 रिजर्व हो गई ये सीट, ठीक है. सिक्स्थ पे आइए 21 10 8 13 8 10 12, तो सीट नंबर 8 10 एंड 12, ठीक है. देखो यहां पे कितनी रिजर्व हुई, 4 वाली 0 आई थी, थर्ड कॉलम में 16, हां जी वो 6 का है, 0 2 4 3 1 1 3 2 and okay 1 1 1. मैक्सिमम वैल्यूज क्या है कॉरेस्पॉन्डिंग टू, सो योर मोड इज 8, ठीक है. यहाँ पे हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन आ रही थी, मोड किसको माने, 8 को माने के 16 को माने, तो उसने ग्रुपिंग करके हमें बता दिया कि किसको मानना है हमने मोड, 8 को, ठीक है, क्योंकि 8 के आसपास ज्यादा बच्चों के मार्क्स हैं, ठीक है बच्चे. दिस इज अबाउट डिस्क्रीट सीरीज, इसको इंस्पेक्शन मेथड से करते तो सिंपल आंसर आपके आगे था, ठीक है. अगर ये 11 की जगह 14 होता तो आपको कुछ एफर्ट नहीं करना पड़ता, आप क्या कहते, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज 14 कॉरेस्पॉन्डिंग टू, सो मॉडल वैल्यू इज 16, गॉट इट. कमिंग टू द कंटिन्यू सीरीज, सो आई गॉट वन क्वेरी ऑल्सो हेयर, ओके. शिवा मान्या वॉन्ट्स टू, मान्या वॉन्ट्स टू नो अबाउट प्रैक्टिकल एग्जाम. सो बच्चे बिकॉज वी हैव नॉट येट डन विद द प्रोजेक्ट वर्क, सो 10 मार्क्स प्रैक्टिकल विल बी देयर, 40 मार्क्स का पेपर है आपका, 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, और उस 10 मार्क्स में हम आपको थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस ही पूछेंगे. वाई वाह, प्रैक्टिकल तो हुआ नहीं, तो 10 मार्क्स में अबाउट क्वेश्चंस 5 टू 10 क्वेश्चंस की रेंज में यू विल बी आस्क्ड, ठीक है. क्योंकि आप पेपर दे चुके होंगे तो मैंने सिलेबस तो कम करना नहीं अब, ठीक है. पेपर बाद में है ना आपका प्रैक्टिकल इकोनॉमिक्स, पेपर बाद में, चलो लिमिटेड सिलेबस है, नेवर माइंड, ठीक है. फ्रॉम द होल ऑफ द रिवीजन टेस्ट हो चुके हैं, सो होल ऑफ द सिलेबस द क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, वाइवा बेस्ड होगा, राइट. कंटिन्यू सीरीज मोड, कंटिन्यू सीरीज में कैसे होता है, अगेन टू मेथड्स, वन इज इंस्पेक्शन मेथड, अनदर इज ग्रुपिंग एंड एनालिसिस मेथड. सो लेट्स स्टार्ट विद इंस्पेक्शन मेथड ओनली. अगर डेटा इंक्लूसिव में है तो बिफोर कैलकुलेटिंग मोड डू वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू इंक्लूसिव और नॉट, एक्सक्लूसिव और नॉट. अगर बेटे डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूसिव फॉर्म में गिवन है तो मोड कैलकुलेट करने के लिए उसको पहले एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है कि नहीं करना, करना है. कैसे करते हैं, 0.5 हमेशा थोड़ी ना आएगा, क्या फॉर्मूला है, एल टू माइनस यू वन डिवाइडेड बाय टू, इसको लोअर लिमिट में से माइनस कर देते हैं, अपर लिमिट में ऐड करते हैं, इसको क्या कहते हैं,
इस फॉर्मूला का एक पर्टिकुलर नाम है करेक्शन फैक्टर, क्या कहते हैं करेक्शन फैक्टर, L2 माइनस U1 डिवाइडेड बाय 2। अगर तो डिफरेंस अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट में 1 का है, फिर तो ये हमेशा 0.5 आएगा, जरूरी नहीं है 1 का डिफरेंस, नॉर्मली 1 का होता है और 0.5 आता है, इसलिए बच्चे सोचते हैं कि 0.5 ही रहेगा। सो अगर आपसे पूछा जाए हाउ डू वी कन्वर्ट इंक्लूसिव इनटू एक्सक्लूसिव, तो ये नहीं आंसर दे देना बाय डिडक्टिंग 0.5, बाय डिडक्टिंग करेक्शन फैक्टर फ्रॉम दी लोअर लिमिट्स एंड एडिंग दी करेक्शन फैक्टर टू दी अपर लिमिट्स। और करेक्शन फैक्टर का फॉर्मूला पता हो गया सबको, ओके। अगर सीरीज अनइक्वल की है और मोड कैलकुलेट करना है, फिर क्या करें, इक्वल में कन्वर्ट करना है या नहीं करना, इट इज मस्ट टू कन्वर्ट इट इनटू इक्वल क्लास इंटरवल्स। कैसे कर देंगे, सबसे पहले हाईएस्ट क्लास इंटरवल देखो, इफ क्लास इंटरवल्स रेंज फ्रॉम 5 to 10 to 20 to 30 to 50, तो देखो कौन सा फीजिबल है। लोअर लिमिट कभी फीजिबल नहीं होती, कौन सी फीजिबल होती है, हाईएस्ट जो लिमिट होती है, जैसे इस तरह से एक मैं एग्जांपल दे देती हूं, इधर देखो, हेयर दी क्लास इंटरवल रेंज फ्रॉम इंटरवल ऑफ 5, 10, 20, again 10, 5, 20। अगर आप चाहो सबको 5 में कन्वर्ट करना, कर सकते हो, नहीं स्प्लिट नहीं करना, जब 5 में करोगे ना तो स्प्लिट करना पड़ेगा, यानी 40 to 45, 45 to 50। तो एक बच्चे के 40 टू 50 के बीच में स्प्लिट कर दिया तो आधा आधा बच्चा नहीं ना, चलो दो भी हो गए तो जरूरी थोड़ा ना कि 40 टू 45 एक के मार्क्स और 45 टू 50 एक के। अगर मैं मर्ज कर देती हूँ 40 टू 60 चार बच्चे के, ये जस्टिफाइड है ना, तो इसीलिए यहां पर मैक्सिमम क्या है 20 है। तो कैसे करेंगे, 20 का इंटरवल रखेंगे, 0 टू 20 क्लब कर दिया, 20 टू 40, 40 टू 60, 60 टू 80, इन तीनों को मर्ज कर दो, लास्ट वुड बी 80 टू 100। ठीक है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी का क्या करें, अगर इतने स्टूडेंट्स के मार्क्स इसके बीच में है, इतनों के इसके ऐड कर दो, कॉमन सेंस है, मैं नहीं भी बताऊंगी आपको पता चल जाना चाहिए। ठीक है, 1, 4 दिस वुड बी 15, 10। अब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है कॉरेस्पॉन्डिंग टू, तो मोड क्या हुआ, मोड पता चला, पता चल गया क्या है मोड, मॉडल क्लास पता चली, मोड की वैल्यू पता चली, कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगेन इंटरपोलेशन फॉर्मूला विच इज जेड इक्वल्स एल प्लस व्हाट इज एफ वन, नाउ एफ वन किसका नाम है, जिसके नीचे लाइन लगाई है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी का नाम एफ वन है, तो इसके पीछे वाले को क्या कह दो, नीचे वाले को, ठीक है, बस आ गया आपके पास, ये एल है लोअर लिमिट, 60 plus 15 minus 4, 215 minus 4 minus 10 into 20। आंसर आएगा तो सिर्फ ये चेक कर लेना
कि इसकी वैल्यू 60 to 80 के बीच में है। कई बार आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर जाते हो तो आंसर आ गया 54, यहाँ आ गया 85, इनकरेक्ट है, उसी टाइम क्रॉस कर दो, दोबारा से चेक करो, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो बाकी के क्वेश्चंस कल कर लेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।